एक RMP कोच है और इसमें क्या है कि इसमें लीकेज था, तो लीकेज ध्यान दो कहाँ मिला है, लीकेज मिला है ये LP कटआउट है इसका बैलो, यहाँ देखोगे तो ये बैलो यहाँ से लीकेज है, यहाँ से बैलो इसका लीकेज है, ये देखोगे तो अंदर से ये बैलो लीकेज है, देखिए ये बैलो यहाँ पे अंदर से बैलो फटा हुआ है, ये इसको क्या करेंगे अब ये सीधा रिप्लेस होगा, नया लगेगा, तो इसको नया हम चेंज करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसे चेंज होता है। तो चाहे LP हो या HP हो, कुछ भी अगर खोलना हो चेंज करना, तो पहले देख लेना कि क्या है। तो जैसे यहाँ देखेंगे तो ये 100 तक का है, तो ये LP है, ठीक है, और इधर जो बगल में लगा ये HP कटआउट है, ठीक है। तो हमें अब LP को चेंज करना है, तो अब LP को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसका एक कनेक्शन 3 ओपन करेंगे और ये यहाँ से चकनट खो, मतलब डेनर यहाँ से प्लेयर खोलेंगे, ये ओपन हो जाएगा और ये हटा देंगे, दूसरा आप लगा देंगे। तो पहले हम इसके कनेक्शन को ओपन करते हैं, देखेंगे तो ये वायर नंबर 29, 30 और 31, तो 29 क्या है इसकी मेन सप्लाई है, ठीक है, यहाँ पे, और 29 और जो 30 क्या है ये LP ट्रिप का इंडिकेशन का है, और 31 क्या है तो ये जाएगा ओवरलोड के लिए जहाँ से कंप्रेसर लगेगा, ठीक है। तो इसके तार को ओपन कर देंगे, तो टेस्टर से इस तरह से खोल लेंगे, जैसे मान लो कभी खोलने के बाद अगर मान लो किसी फ्यूल नहीं है तो आप उसको आपस में टच करके भी देख सकते हो कि कौन सा, ये पॉजिटिव है, अगर इससे टच करोगे और वहाँ पे LP जल गया, समझो कि इंडिकेशन का ये पॉजिटिव है, अगर इससे लगाते हो और ओवरलोड सप्लाई आ गया, तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। फिर इसको ओपन कर लेंगे और जो दूसरे में लगाएंगे उसमें भी लगाना रहेगा, जो हम फ्लास इसको ओपन कर लेते हैं, देखेंगे वायर नंबर भी, ये पहला वायर नंबर 29 है, ठीक है, दूसरा वायर नंबर देखेंगे तो ये 30 है, लग गया है इस तरह से वायर ओपन हो गया, ये 29, ये 30, ये 31, ये सप्लाई है मेन, ये इंडिकेशन का है, और ये यहाँ से LP ओके के कमांड ले जाएगा ओवरलोड को, ठीक है। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, हम ये कनेक्टर यहाँ से ये खोलेंगे प्लेयर नट, तो उसके लिए हम चाबी की लगाते हैं, चाबी लेंगे ऐसे लगा लेंगे क्रॉस में, और बहुत हल्का से मारेंगे तो खुल जाएगा, इसमें कोई जान नहीं लगेगा, हमने क्या एक ही हाथ से खोल दिया, अब इसमें थोड़ा प्रेशर ऊपर है, वो भी धीरे से उड़ा लेंगे पहले, अगर गैस हो अगर आपके तो ध्यान से खोलना है, गैस उड़ जाए तो कभी क्या आंखों में पड़ जाएगा, तो नुकसान करेगा, तो खुल जाए थोड़ा, देखिए इस तरह अभी इसमें जो हम नाइट्रोजन डाले थे लीकेज चेक करने के लिए, वो नाइट्रोजन है तो थोड़ी देर में इसको वेट कर लेंगे। अगर कभी कभी क्या होता है कि गैस आपका है लेकिन HP कटआउट खराब हो गया है, तो उस पोजिशन में क्या होता है बहुत इसको जल्दी से खोलना होता है, तो आप वो भी खोल सकते हैं, देखेंगे इस तरह से गैस हमने खोल लिया है, ये जो कनेक्शन और इसका LP का प्लेयर नट, अब ये जो LP है ये हम रिप्लेस करेंगे दूसरा, तो देखेंगे ये हमारा पहले वाला जो खराब हो गया था लीकेज क्या है, यहाँ से बैलो इसका फट गया है, रियर कैसे होता है ये बैलो फट जाता है, तो इसको हम रिप्लेस करते हैं, और उसके जगह पे ये दूसरा हम सेम है, देखिए सेम दूसरा हम इसको लगा रहे हैं, ठीक है। लगाने क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम पहले टेफ्लॉन टेप लगा लेंगे, इसमें टेफ्लॉन टेप एक लेयर हम दो लेयर इसमें लगा देंगे, इसे लगाने से क्या लीकेज की संभावना बहुत कम रहती है, इस तरह से टेफ्लॉन टेप ले लेंगे हम, और ये जो टेफ्लॉन टेप हमारा चौड़ा है ज़्यादा इसलिए थोड़ा ऐसे लग रहा है, ठीक है, इसमें मतलब रहता है, इस तरह से टेफ्लॉन टेप लगा दिए, वापस इसको करना कुछ नहीं है, ऐसे ही उठाना है और यहाँ से वापस से, हाँ एक ही देखिए इसमें से जो सेटिंग होता है, सेटिंग हम आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे कितने पे LP हमारा सेट हो, अभी ये 60 पे है, तो देखेंगे तो ये जो इसका अभी सेटिंग है करीब 35 के आसपास है, ठीक है, लेकिन इसका जो अभी सेटिंग है करीब 60 के आसपास है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो नया लगाएंगे उसकी भी सेटिंग हम 35 के आसपास कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा इसको सेटिंग छेड़ेंगे, तो सेटिंग बड़ा घटाने के लिए क्या करेंगे, ये देखो ये लॉक है, ये लॉक रहता है, ठीक है, ये बिना जब तक लॉक हटाओगे नहीं, ये सेटिंग का है तो इससे घटे बढ़ेगा नहीं, तो आपको सबसे पहले कि ये लॉक हटाना पड़ेगा, तो ये लॉक को ऐसे खोलेंगे टेस्टर से इस तरह से, इस तरह से देखेंगे तो ये बड़े आराम से खुल गया, ठीक है। अब इसको चाहिए तो टेस्टर से, आपके पास
8 की गोटी हो तो उससे भी इसकी सेटिंग को घटा बढ़ा सकते हैं। चलो देखिए, ये क्लॉक वाइज घुमाएंगे, क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो इसकी सेटिंग को बढ़ेगी, और एंटी क्लॉक वाइज इसको घुमाएंगे तो घड़ी उल्टा घूमती है, इसकी सेटिंग कम होगी। तो इसको हम सेटिंग करीब 35 के आसपास लाएंगे, ठीक है। इस तरह से इसको घुमा के टेस्टर से भी घुमा सकते हैं, यहाँ पे ग्रिप बना रहता है, और चाहेंगे आप तो इसको गोटी से भी घुमा सकते हैं। तो ये देखिए, हम इसको आप देखेंगे तो दोनों की सेटिंग सेम है, ये पुरानी वाली है और ये नई वाली है, तो देखेंगे दोनों करीब 35 के आसपास की सेटिंग है, ठीक है। अब इसको हम लगाते हैं, चलो टेफलन टेप हमने लगा ही दिया है, अब इसको वापस से ये देखेंगे ग्रिप में यहाँ पे, तो ये जो ये हमारा फ्लैट नट है, इसको वापस ऐसे ही बहुत आराम से हल्के हाथ से ऐसे टाइट कर देना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे टाइट करते जा रहे हैं, अब यहाँ पे टाइट हो गया। अब यहाँ तो गोटी चाबी की इस्तेमाल करेंगे, ये इधर नीचे 13 का हम लगा के इसको टाइट कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये टाइट कर देख लेंगे हम कहाँ पे हमारा रुक रहा है, ये जहाँ पे टाइट होगा ना खुद ही वहाँ पे ये मतलब हो जाएगा, थोड़ा इसमें फिर प्रेशर डाल के भी देख लेंगे। देखो इसको करने के लिए क्या, दो चाबी क्रॉस में ऐसे फंसाएंगे, और जैसे ही चाबी का जोर एक दूसरे के विपरीत लगाएंगे ये टाइट हो जाता है आराम से, ठीक है। ये चाहे स्लाइडिंग से भी आप खोल सकते हैं या कस सकते हैं, तो ये हम यहाँ से ये कस गया, ठीक है। एक बार हम लास्ट में इसको लीकेज भी चेक करके देख लेंगे कि क्या ये इसकी लीकेज है, ठीक है। तो इस तरह से ये कस गया है। 3 नट यहाँ पे बोल्ट दिया अटारी 1 इंच के अंदर है, 2 यहाँ साइड में है, तो हम इसको वापस इसे नट लगा के कनेक्शन भी बाद में करेंगे, अगर कनेक्शन अभी कर देंगे ना तो ये टाइट नहीं हो पाएगा, तो कनेक्शन बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पे इसके नट को फिक्स कर लेते हैं। ये अंदर है जो कनेक्शन ना, कनेक्शन तो बाहर से हो जाएगा लेकिन वो नट टाइट नहीं हो पाएगा। साइड में भी है तो क्रॉस में हमने यहाँ 2 लगा दिया है और 1 इसके नीचे और है, 3 यहाँ पे नट लगे हुए हैं, बोल्ट लगे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से इसको बढ़िया से कस देंगे, कसेंगे नहीं तो अगर ढीला रहेगा तो हमिंग कर करके फिर से कोई दूसरा कहीं कोई पाइप लीकेज करके तोड़ देगा, इसको हमिंग को रोकने के लिए बढ़िया से इसको बेस को टाइट कर देना है यहाँ से ऐसे, तो बेस टाइट हो गया है। अब बचा गया एक कनेक्शन, तो कनेक्शन सेम जैसे खोला है वैसे हमें कर देना है, ठीक है। तो देखेंगे ये 31 है, तो ये हमारा जो कनेक्शन है सबसे पहले 29 को हम यहाँ पे लगाएंगे, ये 29 है, 29 को यहाँ पे हम पहले कनेक्शन कर देते हैं, सेम कनेक्शन वैसे ही है, 29 नंबर है, हम यहाँ पे 29 नंबर को कनेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा अंदर है इसी वजह से, देखिए 29 नंबर यहाँ पे, देखिए 29 नंबर ये टाइट हो गया, अब 30 और ये 31 टाइट कर गया। कई बार क्या होता है कि एलपी की सेटिंग कम रहती तब भी एलपी मारता है, तो जब भी आपको एलपी कम दिखे तो आप वो जरूर चेक कर लेना कि ऐसा तो नहीं है कि एलपी की सेटिंग कम हो। ये जिसमें हम अभी एलपी बदल रहे हैं, ये एलपी बदल रहे हैं आरएमपी कोच है, ठीक है, आईसीएफ वाले जो कोच होते हैं वो कोच हैं। 29, 30, 31 टाइट हो गया, अब फ्लेयर भी टाइट हो गया, अब इसके हम कैप भी लगा देते हैं, वापस से कैप इसमें लगा देना होता है, तो कैप भी वापस हम इसमें लगा देते हैं। इस तरह से ये कैप लग गया है, और ये भी हम कैप इसका लॉक भी रबर पर लगा देते हैं, इस तरह से इसको भी हम इंस्टॉल कर देंगे, ये आराम से लग जाता है, रबर है। ये देखो बराबर हमने लॉक कर दिया, कैबल भी लगा दिया, यहाँ पर कनेक्शन कर दिया, ये कर दिया। अब इसे नाइट्रोजन डाल के एक बार हम झाग इसे फिर से दोबारा देख लेंगे, इस तरह से देखेंगे तो लीकेज भी चेक कर लेंगे, करीब 300 प्रेशर है, कहीं लीकेज नहीं है पूरा सिस्टम, और प्रेशर हमारा होल्ड है, तो अब इस तरह से इस पर हम गैस चार्ज अप कर देंगे।